हेलो अरुण, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब सही से इस्लाम के खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे। अभी मैं अपने ऑफिस आया था और अभी रिसेंटली मेरे को पता चला कि मेरी बाइक जो है प्रॉब्लम हो गया है। ये चक्कर है भाई, ये वाली प्रॉब्लम हो गई मेरी बाइक में। जो बियरिंग है ना भाई, वो टूट गई है। इसका टायर है ना ऐसा ढीला हो चुका है। और भी कुछ इशू हमारी बाइक में, जैसे कि हमारा विंडशील्ड फिर से इसका यहाँ साइड से रबड़ एक टूट गया है, आप देख रहे होंगे ना यहाँ साइड से, और ये अभी ढीला हो चुका है। और हैंडल मेरा वाइब्रेट कर रहा है, शायद ये भी ढीला हो चुका है। एक तो इसकी भी बेयरिंग ख़राब हो गई, जो हमारे रिम में स्पोक्स लगे हैं वो भी भाई ढीले हो चुके हैं बहुत सारे। और कुछ दिक्कत है बाइक में, तो सीधे यहाँ से चल देते हैं सर्विस सेंटर की ओर। बाकी फरहान भाई हमारा वेट कर रहा है, तो सीधे चलते हैं फरहान भाई के यहाँ, फिर हम जाएंगे सर्विस सेंटर की ओर। अभी पहुँच गए फरहान भाई के पास और उनकी बाइक जो है ना भाई यहाँ खड़ी है। ये चक्कर है, बस मेरी बाइक में इशू है ना यही है कि ढीला हो चुका है। ये भी ठीक कराना है और थोड़ी वाइब्रेट भी कर रही है भाई, कि अभी ठीक कराना है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक नहीं किया अभी, बस हम इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक नहीं करेंगे, बिकॉज जो रॉयल एनफील्ड की ऐप है ना भाई वो काम नहीं कर रही है। बस यहाँ से सीधे जाएंगे, अपने जो बाइक है इसमें वही दिक्कत है ना कि बेयरिंग इसकी ख़राब हो गई है भाई। अब क्या ही करें, अब गुरेज भी जाना है तो बेयरिंग तो सही कराना ही पड़ेगा, सर्विस तो हमारी बाइक को कराना पड़ेगा, वरना हम नहीं चाहते कि बाद में कोई दिक्कत हो जाए। अभी हम सर्विस सेंटर की तरफ जा ही रहे हैं ना, ये चक्कर है भाई। ये केरला से हाइकिंग कर रहे हैं और ये जा रहे हैं नेपाल, इंडिया और भूटान। भाई इनकी हिम्मत देखो भाई, हाइकिंग करते हुए चल रहे हैं भाई साहब, इसके लिए बड़ा गुर्दा चाहिए, कसम से मैं बता रहा हूँ भाई। अब ये जो ट्रैवल कर रहे हैं ना भाई, इंडिया, नेपाल, भूटान, केरला से आए थे, क्योंकि हाइकिंग करते हुए इनका ना इनका अलग ही लेवल है भाई, कसम से बता रहा हूँ। मेरे पास बाइक है, मैं नहीं कर पाता हूँ, पर इनका लेवल है ना वो अलग ही लेवल का है। किसी के यहाँ पे सिल्वर कलर की हिमालयन खड़ी है, वहाँ पे पाइन ग्रीन, और कितनी सारी बाइक खड़ी है यहाँ। तो हम यहाँ से सीधे चलेंगे अंदर और हम देखेंगे भाई हमारे जो सर्विस है वो आज होगी कि नहीं होगी। आई होप तो हो जाएगा, वरना और सर्विस सेंटर में जाएंगे भाई। अब यहीं पे थे ना, अभी हमारा जो टोकन है वो नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे लंच टाइम चल रहा है और सारे के सारे एम्प्लॉय जो है वो लंच कर रहे हैं भाई। और मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, ये चेक करें आप, क्या लग रहा है बैम्बू है ना भाई, ये बैम्बू है ना, इसको इन्होंने डस्टबिन बनाया है, जो भी इनका डस्ट होता है ना उसी में डालते हैं भाई। सही लगा है कसम से, अगर आपको नेचर को प्रिजर्व करना है ना तो ये चीज़ें करना ज़रूरी ज़रूरी बनता है आपका। हमारी बाइक जो है ना उसको राइड पे राइड करेंगे, अभी पहले देखेंगे क्या क्या इशू है वो ठीक करेंगे, बस हम आपसे वेट करेंगे, ये राइड करके आएंगे, वो बताएंगे क्या क्या दिक्कत है। मैंने उसको बता दिया यहाँ से क्या क्या दिक्कत है, बस ये तब भी देखेंगे क्या क्या दिक्कत है वो दूर करेंगे। वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए हमने अभी सर्विस अपनी नहीं की, हम किसी और सर्विस सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे सर्विस कराएंगे। अभी हम जा रहे हैं हैदरपुरा और वहाँ पे जो हमारी सर्विस है भाई, अब जो सर्विस है वही भी डन करेंगे। 3 बज रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं दूसरे सर्विस सेंटर की ओर। भाई मेरे हम जा रहे हैं अभी हैदरपुरा और फरहान भाई साथ में है ही। फिलहाल अभी हम पहुँचने वाले हैं सर्विस सेंटर जो है ना हैदरपुरा में, वहाँ की ओर। आई होप कि वहाँ पे हमारा जो सर्विस है बाइक की वो डन हो जाए जल्दी से। और हमारी बाइक यहाँ पे है भाई, इसकी सर्विस करानी है, मतलब इसका ये नट वगैरह ढीले हो चुके हैं, तो जो बाइक मेरे उसमें प्ले है तो वो ठीक कराएंगे, थोड़ा नॉइज़ वगैरह है वो सेट कराएंगे। बाकी हमारी बाइक जो है उसकी सर्विस हो रही है भाई, ये चेक करें आप, हमने बस टायर खोल दिया इन्होंने, क्योंकि इसमें जो बेयरिंग है ना वो ख़राब थी, बस वो उसको ना पहले रिपेयर करेंगे अच्छे से। और भाई बाइक ना गंदी हो गई पूरी की पूरी। अच्छा मेरी बाइक तो रेडी हो गई, उसका जितना भी काम था हमारा उसके बेयरिंग हमने चेंज की, थोड़ा फरहान भाई की बाइक है उसको भी हल्का सा टचअप करना है हमें, बिकॉज हमारी जो राइड है ना भाई वो बहुत लॉन्ग होने वाली है। मैं वो दिखा रहा हूँ, मेरी बाइक में जो इशू था ना भाई, ये देखियो ना पीछे वाली बेयरिंग ही ख़राब थी, ये चेक करें, ये वाली बेयरिंग ही ख़राब थी मेरी, हमने इनको चेंज कराया जो कि बहुत सही रहा। हमारे टायर में जो प्ले थी ना वो ख़त्म हो गई, चेन का साउंड ख़त्म हो गया, बाकी सब कुछ है हमारा, बस अभी फरहान भाई की बाइक का काम कराएंगे, इसको भी टचअप करेंगे पूरा का पूरा, जितना भी इसका काम है वो करेंगे। और फरहान भाई को देखिए कितना प्यार दिखा रहा है अपनी बाइक पे, चेक करो ना भाई, जान है फरहान भाई, कह रही कि मेरी जान है। और इसकी जान का जो टैंक है ना वो उतारा गया भाई, इसकी टैंक है ना उसमें पानी गया है, वाश जब बाइक को करता है ना तब उसे पानी चला गया। इसकी बाइक की टंकी जो है ना वो यहाँ है, इसमें पानी चला गया है, क्योंकि इसकी जो ड्रेनेज थी ना वो बंद हुई थी पता नहीं क्यों, अब इसकी टैंक को ना साफ करना पड़ेगा भाई। बहुत
खर्चा होगा आज, बट क्या ही करे, अब गुरेज गुरेज तैयार नहीं, खर्चा ये देगा मेरे, चल खर्चा मेरे से ले लेना, पैसे मैं सारे दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, बट हम गुरेज जा रहे हैं तो बाइक हमारी सेट होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसीलिए। बाकी हमारी सर्विस डन हो चुकी है, हमारे जो टोटल कॉस्ट आया ना भाई, मेरा आया 1000 के आसपास मेरा खर्चा आया, और हमारी बाइक भाई रेडी है जाने के लिए, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, आपको इशू नहीं होगा हमारा। अब बात करते हैं बाइक की, बाइक की जितने भी दिक्कत थी ना सब डन है भाई, ब्रेक पेड्स मैंने चेंज कराए थे पिछली बार, ये नॉइज़ कर रहे थे, ये भी चेंज हो गए, फ्रंट व्हील जो था इसमें कुछ स्पोक्स मेरे डीले हो चुके थे, ये भी चेंज हो गया, और इसका ना रबर जो है वो भी फिट हो गया, हैंडल बार भी सही हो गया, बस बाइक है जाने के लिए, अब हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। बाकी ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर लेते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके छोटा भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में एक खूबसूरत सी जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, फिर हम आएंगे।